हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है व्यावसायिक गणित पे, बिजनेस मैथमेटिक्स पे है, जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी का क्वेश्चन जो 18 से स्टार्ट होने वाला है उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही वीडियो नया अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 18 में, इफ द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 51 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम्स इज 273, फाइंड द नंबर्स। यदि एपी की तीन लगातार संख्याओं का योगफल 51 है तथा दोनों छोर वाली संख्याओं का गुणनफल 273 है तो उन संख्याओं को निकालें। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि तीन संख्या रहता है, तो तीन संख्या जब भी रहता है तो आपको बताया गया है कि जब तीन संख्या रहेगा तो कौन सा संख्या लेना है। तो जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो लिखेंगे लेट, तो आपको मालूम है कि जब भी थ्री नंबर रहेगा, जब भी थ्री नंबर्स आपको लेने हैं तो, और जो एपी में हो तो हमको लेना है ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, इसी नंबर को लेना है। और इसका जो सम है 51 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस ए प्लस बी, और ये सम कितना दिया हुआ 51 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जब इसको ऐड करेंगे, सम निकालेंगे, योग निकालेंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा 3a = 51। अब यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 51/3, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो 17 3 कितना होता है 51। a का वैल्यू मिल गया। अब क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है, तथा दोनों छोर वाली संख्या, मतलब दोनों छोर, ये फर्स्ट छोर हो गया, ये सेकेंड छोर हो गया, दोनों छोर वाली संख्या यहाँ लिखा हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बाहर, और यहाँ पे देखेंगे बाहर वाले नंबर के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे बाहर वाले नंबर कौन कौन सा है, तो अब यहाँ पे लिख लिए ए माइनस बी और a प्लस बी, और इसका जो है प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 273 आता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप फार्मूला से बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो अगर a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जिस किसी को फार्मूला नहीं याद है तो उन लोग के लिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, अगर जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत बेसिक से लेके चलते हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ए को कॉपी करते हैं, फिर इसको सेम एज अ कॉपी कर लिए, फिर यहाँ पे माइनस बी बचा, फिर इसको सेम कॉपी कर लिए 273, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर 273। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों माइनस, ये प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 273। अगर जिसको भी ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला याद है तो डायरेक्ट इसमें बना सकते हैं। अब ए का वैल्यू यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दिए 17 माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 273। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है,
तो आपको मालूम होना चाहिए 289 होता है, और यहाँ पे बी स्क्वायर 273। अब यहाँ पे बी का वैल्यू निकालते हैं, तो बी को हम एज अब उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो 289 माइनस 273। अब यहाँ माइनस कर देते हैं, 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए 6 आएगा। अब यहाँ 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर मिला। तो बी बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट 16 मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 16 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस माइनस ये क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो बी का दो वैल्यू निकला, प्लस और माइनस। हम लोग को क्या निकालना, फाइंड द नंबर निकालना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो अब पुट करते हैं, इफ अगर बी का वैल्यू अगर प्लस, हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लस 4 लेते हैं, तो अब जो नंबर लिए थे ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, उसमें ए की जगह में कितना पुट करना है, तो ए का वैल्यू 17 पुट करना है, और बी का वैल्यू कितना पुट करना है, 4 पुट करना है। तो यहाँ पे पुट कर दिए, ए का वैल्यू 17 प्लस बी का वैल्यू कितना पुट करना है, 4 पुट करना है। अब यहाँ माइनस करेंगे, तो ये कितना मिलेगा हम लोग को, 13 मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 17, और ये कितना मिलेगा, ऐड कर देंगे तो ये 21 मिलेगा। फिर देखेंगे इसमें इफ बी इक्वल टू अगर माइनस 4 लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन हम लोग का सेम रहेगा, ए माइनस बी, ए और इसमें क्या पुट करना है, ए की जगह में 17 पुट करना, माइनस रहेगा, बी की जगह में कितना पुट करना, माइनस 4 पुट करना है। कर दिए, ए की जगह में 17 ही पुट करना है, या 17 ही रहेगा प्लस, और यहाँ माइनस 4 पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे 21 हो जाएगा, 17 रहेगा, और प्लस माइनस माइनस ये कितना रहेगा, 13। तो जो हम लोग का नंबर फाइंड करना था, ये नंबर हम लोग का निकल गया कि फर्स्ट इक्वेशन में आया 13, 17, 21, और सेकेंड में आया 21, 17 और 13। तो ये जो नंबर था, तीन नंबर हम लोग का फाइंड हो गया। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को हम आपको रिव्यू कर दे रहे हैं कि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, अगर जैक बोर्ड में आएगा तो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। लिखा हुआ, इफ द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ इन एपी इज 51 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सट्रीम इज 273, फाइंड द नंबर्स। यदि एपी के 3 लगातार संख्याओं का योगफल 51 है तथा दोनों छोर वाली संख्याओं का गुणनफल 273 है, तो उन संख्याओं को निकालें। तो इसमें हम पहला क्लास में, मेरा जो इससे पहले का क्लास है, आप उसको देख सकते हैं, वर्किंग रूल बताया गया था। वर्किंग रूल में बताया गया था कि अगर 3 नंबर रहेगा तो यही 3 नंबर लेना है, ए माइनस बी, ए ए प्लस बी। तो आप पिछले का वीडियो एक बार देख लें, तभी इसको देखें अगर जो नए हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जब इसका सम निकालें तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, इसको ऐड कर दिए 3a, इधर ये मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे 17 आया। अब फिर बोला था कि दोनों छोर वाली संख्या, अब दोनों छोर वाली, पहली छोर दूसरी छोर, दोनों प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे इतना आता है। अब यहाँ पे देखें कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, तो ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए का वैल्यू यहाँ पे 17 है, 17 का स्क्वायर कर दिए 289 आया, और इधर सेम है, इसको माइनस से उधर ले जाए प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिए 16 बी, इसका रूट निकाले 4 जाए 16, प्लस माइनस दो वैल्यू निकला। हम लोग का नंबर फाइंड करना था तो यहाँ पे दो वैल्यू निकला, तो अगर बी का वैल्यू अगर प्लस 4 लेते हैं, तो बी का वैल्यू प्लस 4 लिए, फिर पुट किए जो पहला इक्वेशन लिए थे उसमें पुट करने पे एक हम लोग का सीरीज मिला 13 17 21। उसी तरह से फिर बी का वैल्यू माइनस 4 लेते हैं तो एक 17 मिलता है, इसका अपोजिट मिलता है 21 17 और 13। तो अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लस आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फिर समझाने की कोशिश किया जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, आप जब शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे, हम भी एक मोटिवेट होंगे और हमको भी अच्छा लगेगा और वीडियो इस तरह का बनाने के लिए मन करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को बताएँ। तो आप जितना
से जितना हो सके आप शेयर करते रहें वीडियो को।